वालेकुम दोस्तों, अगर आप डेवलपर नहीं हैं और आपके पास स्किल्स भी नहीं है वेबसाइट बनाने की, तो इतना आपके पास होना चाहिए कि बस आप कॉन्शियस हो और आपका जो है थोड़ा बहुत दिमाग चलता हो। जैसे कि आप फेसबुक यूज़र हैं, यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, तो आप वेबसाइट भी अपनी बना सकते हैं। हमने इस जगह से वेबसाइट होस्टिंग ली है, काफ़ी सस्ते में ली है, और यहाँ की बाकी जगहों में भी आपको बिल्डर मिलेंगे, वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं, वो महंगे पड़ जाते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो ये आपको मतलब $0.5 मंथली पड़ता है, साल के $6 होते हैं, और इसकी काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। और बगैर क्योंकि इस तरह सस्ती होस्टिंग में सबसे बड़ा इशू होता है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए और आपको बाकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए हम लॉगिन पैनल की जानिब बढ़ते हैं और हम अपनी वेबसाइट बनाने का प्लान करते हैं। तो इसमें आप चूज़ करेंगे ईजी वेबसाइट साइट बिल्डर, और ये आपका साइट बिल्डर है। तो हम एक वेबसाइट अपनी बना रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट मेडिकल के हवाले से है। हमारा जो है प्लान जो है वो ये है कि ये एक नॉर्थ वे क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है, इसको हम देख सकते हैं गूगल मैप के ऊपर, और इसके देख सकते हैं कि हमने इसकी वेबसाइट बनाई है। तो जाहिर सी बात है जो बंदा आपका बिजनेस होगा सिंपल सा होगा, और हम इसके ऊपर अभी काम करेंगे। तो हम यहाँ पर आके देखेंगे टेम्पलेट्स। देखिए इसमें आपको तकरीबन हर तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब हमारा जो है मेडिकल रिलेटेड है, तो हम इसमें यहाँ देखेंगे कि भाई मेडिकल रिलेटेड जो है वो हम उसको ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड हमारा आएगा, तो ये हेल्थ के हवाले से हमारे पास कुछ मॉडल्स आ रहे हैं। तो इसमें एक ये मॉडल है, एक ये मॉडल है, एक ये मॉडल है, और भी बहुत सारे मॉडल्स ऊपर आ रहे हैं। ये अगर आपके डॉग की शॉप है हेल्थ केयर के हवाले से, तो आप ये चूज़ कर लें। हमारा है डेंटल क्लिनिक, तो हम डेंटल क्लिनिक के से रिलेटेड कोई क्लोज वेबसाइट होगी तो हम वही देखेंगे। इसको हम देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं कैसी दिखती है। तो मेरे ख़्याल से ये डेंटल की शॉप है, तो इसमें भी यही सारी चीज़ें आ रही है। इस तरह की वेबसाइट जो है हम बनाएंगे, इसमें नीचे मैप आएगा हमारा, तो एक चीज़ आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट कि ये हमारे काम से मिलती जुलती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं डेंटल के हवाले से सब बना हुआ है, तो मतलब हर थीम अवेलेबल है। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, और अब जो है हम इसको मतलब डिज़ाइन करेंगे। ये तो मतलब इस तरह बच्चों वाली चीज़ हो गई ना, कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और चीज़ें आपकी जो है ना काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको अलाउ करनी होती है कुकीज़, और आपको इसमें आपको ट्रायल दिया जा रहा है 15 डेज़ का, जो कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको एक दफ़ा ही बना लेंगे। तो ये हमारे पास इसका लोगो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको उस लोगो को डबल क्लिक करते हैं, तो जिस चीज़ को भी आप छेड़ेंगे ना, तो आपके पास यहाँ उसका ऑप्शन आ जाएगा, ये कह रहे कि आप अपना लोगो इसमें डालें। तो चलिए हम इसको अपना लोगो डालते हैं, और हमारे पास जो लोगो होगा वो कहाँ होगा, ये तो हो गई वीडियो। तो हम लोगो तो उसका कहीं से भी निकाल लेंगे, और इसका लोगो जो है ये रहा भाई लोगो। इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको लिंक के थ्रू ले आते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन हो इंपोर्ट बाय वा लिंक, चलिए कोशिश करते हैं, आ गया भाई लिंक के थ्रू, ये हमारा लोगो आ गया। ये कह रहा है कि भाई हमने आपके लोगों से ये कलर्स डिटेक्ट किए हैं आपकी वेबसाइट के लिए,
तो मतलब आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आप बोलें कि ठीक है हमारी वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन चेंज कर लें, तो ये आपकी पूरी वेबसाइट का जो है कलर शलर सब चेंज कर लेंगे, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस लोगों के ऊपर जो है हमने, अब इस लोगों में एक इशू आपके पास आ रहा होगा कि यार आप कहेंगे यार इसने तो वेबसाइट का जो है ये काफ़ी बड़ा कर दिया ना, क्योंकि ये लोगों ऐसा रहा है, तो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके एडिट का ऑप्शन होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको क्रॉप करेंगे कि भाई देखो आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं इस तरीके से यहाँ तक, मतलब आप जितनी एडिटिंग चाहेंगे ना आप उतनी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये है, तो देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो लोगो है काफ़ी क्रॉप हो चुका है, और ये हमारे पास एड्रेस डाल सकते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस लिख दिया, देखिएगा इसमें आपके पास कलर्स हैं, हम जो है इसके सारे कलर एक साथ चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास कॉल आस का बटन है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसको कुछ भी करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब ये देखिएगा टैक्स, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे इसका एआई के ज़रिए जो है इसको मॉडिफाई कर लें, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से जो है आप इसमें एक एक चीज़ें कर सकते हैं, मतलब तो इस बिल्डर के अंदर आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जो चीज़ मैं चेंज करना चाहूँ ना मैं इजीली कर सकता हूँ, और मतलब हर चीज़ चेंज हो सकती है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से आप पूरा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इसको मॉडिफाई हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कहने का मकसद ये है कि बहुत आसान है करना, आप ख़ुद भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो आप कुछ भी लिख लो, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो आपको मतलब कोडिंग की ज़रूरत नहीं है।